हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी अतुल मित्तल, ऑथर ऑफ द बुक क्रैक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम। फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स के इकोनॉमी के क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी आपने हिंदी में से बोलते महंगाई। देखिए, इन्फ्लेशन क्या है? सस्टेंड कंटिन्यूस या परसिस्टेंट इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखिए, जनरल प्राइस लेवल क्या है कि गुड्स एंड सर्विस का गवर्नमेंट एक बास्केट बनाती है कि कंज्यूमर, जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। होलसेल इन्फ्लेशन के लिए देखिए, एक तो क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है होलसेल इन्फ्लेशन के लिए, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है रिटेल इन्फ्लेशन के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंज्यूमर जो जो चीज कंज्यूम करता है उसकी बास्केट बनाती है। उस बास्केट में सारी चीजें आती है, आटा, दाल, चावल, पेट्रोल, सब कुछ आ जाता है, खाने पीने के आइटम। तो क्या है कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन इज दी जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस का एक बास्केट होता है जिसमें बहुत सारे आइटम होते हैं। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उनको कंपेयर करती है कि लास्ट ईयर में क्या प्राइस थी, इस साल उस बास्केट की क्या प्राइस है। तो इन्फ्लेशन क्या है, परसिस्टेंट और कंटिन्यूस इंक्रीज इन दी जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सस्टेंड ये नहीं कभी कभार महंगा, कभी कभार किसी चीज की प्राइस बढ़ गई तो वो इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन का मतलब है कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है किसी भी गुड्स एंड सर्विस की, तो वो क्या है, इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन से क्या होता है, इन्फ्लेशन से आपकी परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मनी की जो परचेजिंग पावर है वो कम होती है। जैसे सपोज आप 10 लीटर पेट्रोल 75 रुपए के हिसाब से 750 रुपए का 10 लीटर पेट्रोल ले रहे थे, अभी पेट्रोल 80 रुपए पर लीटर हो गया सपोज एक महीने बाद, तो अब आप 750 रुपए में कितना, 9.38 लीटर पेट्रोल ही खरीद पाओगे। तो आपकी परचेजिंग पावर जो थी 750 रुपए की, पहले 10 लीटर थी, अब 9.38 लीटर हो गई। यानी इन्फ्लेशन से क्या होता है, परचेजिंग पावर मनी की रिड्यूस होती है। इसके बाद फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन विल ऑलवेज रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मनी अनलेस इंटरेस्ट रेट्स आर हायर देन द इन्फ्लेशन। सपोज इन्फ्लेशन है 6% और एफडी पे इंटरेस्ट रेट है 7%, तो आप क्या करोगे, इन्फ्लेशन को मीट आउट करने के लिए आप क्या करोगे, एफडी में जमा करा दोगे। सपोज अगले साल 6% महंगाई बढ़ी लेकिन आपका इंटरेस्ट कितना, 7% मिल गया। तो इन्फ्लेशन विल ऑलवेज रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मनी अनलेस इंटरेस्ट रेट्स आर हायर देन द इन्फ्लेशन। तो आपकी देखिए मनी की वैल्यू रिड्यूस नहीं होगी अगले साल, क्योंकि आपको 7% एफडी पर इंटरेस्ट मिला और इन्फ्लेशन 6% ही है। इन्फ्लेशन प्रोवाइड बेनिफिट टू डेटर्स। जैसे एक्स वाई जेड लिमिटेड है, उसने 10 लीटर पेट्रोल 75 रुपए के हिसाब से इंडियन ऑयल से खरीदा एक महीने के क्रेडिट पे, एक महीने बाद उसको 750 रुपए देने हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड को। तो इंडियन ऑयल की बुक्स में एक्स वाई जेड लिमिटेड क्या है, एक्स वाई जेड लिमिटेड डेटर्स है इंडियन ऑयल की बुक में। एक महीने बाद 80 रुपए हो जाता है पेट्रोल, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड है, अगर वो एक महीने बाद पेट्रोल खरीदता तो उसको 800 रुपए देने पड़ते, लेकिन उसने उधार पे लिया तो उसको केवल 750 ही देने हैं। यानी एक्स वाई जेड लिमिटेड जो डेटर्स है उसको बेनिफिट हो गया। तो इन्फ्लेशन प्रोवाइड बेनिफिट टू डेटर्स, लॉस टू क्रेडिटर्स। तो यहां पे क्या, इंडियन ऑयल क्रेडिटर्स है, उसको लॉस हुआ। अब देखिए इन्फ्लेशन फ्रेंड्स, दो गवर्नमेंट, एक तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े जारी करती है। सीपीआई इन्फ्लेशन बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन, कंज्यूमर जो आइटम कंज्यूम करता है उसके बेस पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकलता है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स है होलसेल इन्फ्लेशन, जो मार्केट में मंडी में जो रेट है गुड्स की उसके बेस पे होलसेल इन्फ्लेशन निकलता है। और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, जो ये रिटेल या जनरल इन्फ्लेशन में से अगर हम फूड और एनर्जी आइटम है जो हमेशा क्या है, वॉलीटाइल रहते हैं, इनकी प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट रहती है, इनको लेस कर दे तो हमारा कोर इन्फ्लेशन निकल के आता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं ऑल इंडिया इन्फ्लेशन रेट। देखिए नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस है वो ऑल इंडिया इन्फ्लेशन रेट के आंकड़े पब्लिश करता है ऑन पॉइंट टू पॉइंट बेसिस। जैसे मई 2021 का इन्फ्लेशन है तो कंपेयर किससे होगा, मई 2020 से होगा। कंपैरिजन हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बेसिस होता है, मंथ बाई मंथ होता है। अब जैसे मई 2021 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई जनरल इन्फ्लेशन 6.3% है और अगस्त में ये 5.30% है, अगस्त में इन्फ्लेशन कम हो गया। इसी तरह कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो 5.01% है लेकिन अगस्त में ये 3.11% हो गया है। तो नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस है ऑल इंडिया इन्फ्लेशन रेट के आंकड़े पब्लिश करता है। अब ये
करेंट मंथ ओवर सेम मंथ क्यों होता है? देखिए जैसे गर्मी है, गर्मी में सब्जियों की रेट कम होती है, सॉरी ज्यादा होती है, सर्दियों में कम होती है। तो आप सर्दी का गर्मी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। इस साल की सर्दी में जो प्राइस है वो पिछले साल की सर्दी में जो प्राइस है उससे कंपैरिजन होगा। इसी तरह जो गर्मी में जो प्राइस है उसका गर्मी की प्राइस से कंपैरिजन होगा। तो कंपैरिजन हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बेसिस होता है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखिए, आंकड़े जो आते हैं वो रूरल, अर्बन और कंबाइंड के लिए आते हैं। तो अभी हमने देखा रूरल में इन्फ्लेशन 6.48% है और अर्बन में 6.04 और 6.30 कंबाइंड इन्फ्लेशन है मई 2021 का। लेकिन अगस्त का हम देखें तो अगस्त में रूरल में 5.28 है और अर्बन में 5.32 है और कंबाइंड है 5.30%। अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है तो देखिए इसका बेस ईयर 2012 है। 2012 जो बेस है उसके बेस पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकलता है। तो देखिए अभी 2021 चल रहा है तो ये सारे अब धीरे धीरे चेंज, गवर्नमेंट चेंज करने वाली है। 2012 जो बेस है वो बहुत पुराना हो गया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए आरबीआई गवर्नमेंट यूज करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को पहले आरबीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स यूज करता था, अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज करता। तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि बेस ईयर क्या है, 2012 है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए कौन सा यूज होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स यूज होता है। अब ये देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथली रिलीज होता है और अगले महीने की 12 तारीख को रिलीज होता है शाम को 5:30 बजे, अगर उस दिन हॉलीडे है तो अगले वर्किंग डे। नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस रिलीज करता है। जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो हम 1114 मार्केट है, 310 टाउन में 1114 मार्केट से डेटा सेलेक्ट होता है। इसी तरह 1181 सेलेक्टेड विलेज से भी डेटा कलेक्ट होता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट करती है। तो रूरल के आंकड़े डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कलेक्ट करती है और अर्बन के मार्केट आंकड़े नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करता है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, रूरल बास्केट में 448 आइटम है और अर्बन बास्केट में 460 आइटम है। अगर हम वेट देखें तो रूरल में फूड एंड बेवरेज का वेट 54% है, अर्बन में 36% है। लेकिन अगर हाउसिंग देखें तो हाउसिंग रूरल में 0 है और अर्बन में 21.67 का वेट है। क्यों है? देखिए गवर्नमेंट ये मान के चलती है भाई गाँव में लोगों के पास अपनी जमीन है, लोग अपने घरों में रहते हैं, किराए पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। लेकिन अर्बन में क्या है, जगह की कमी है, लोग ज़्यादातर किराए के मकानों में रहते हैं, तो इसलिए अर्बन में हाउसिंग को वेट दिया गया है, फूड को कम वेटेज दी गई है। और सीपीआई में सर्विस सेक्टर भी कवर हो रहा है, सारी सर्विस नहीं, कुछ सर्विसें भी कवर होती है, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विस कवर नहीं होती है। इसके बाद फ्रेंड्स सीजनल मूवमेंट इन सीपीआई। देखिए सीपीआई में क्या है, पल्स फ्रूट वेजिटेबल है, इसकी वजह से सीपीआई बार बार ऊपर नीचे होता रहता है। एकदम आपने देखा होगा लोगों ने दालों की प्याज की जमाखोरी कर ली, ठीक है, और एकदम बम्पर प्रोडक्शन हुआ कभी तो एकदम प्राइस डाउन हो गई, और एकदम से कभी कभी सब्जियों की शॉर्टेज हो जाती है। तो सीजनल मूवमेंट, सीजन के हिसाब से क्या है, सीपीआई में मूवमेंट होता रहता है। अच्छा मैंने आपको पहले बताया था कि इन्फ्लेशन टारगेट के लिए सीपीआई यूज करते हैं। अब इन्फ्लेशन का जो टारगेट है गवर्नमेंट और आरबीआई का वो है 4% प्लस माइनस 2%। क्या है, इन्फ्लेशन जो है वो 4% टारगेट है जो गवर्नमेंट को अचीव करना है, 4 माइनस 2 यानी 2 से 6%। इन्फ्लेशन की जो रेंज है वो 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, गवर्नमेंट का ये टारगेट है 2021 से लेके 26 था। इससे पहले भी यही टारगेट था इन्फ्लेशन का और अभी भी यही टारगेट है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन टारगेट मीट आउट नहीं कर पाते तो आरबीआई रीजन बताता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या है, होलसेल प्राइस में गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी कमोडिटी की होलसेल प्राइस यानी मंडी की रेट, मंडी की रेट के बेसिस पे इन्फ्लेशन निकालती है। इसका होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेनिफिट क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इसका बेनिफिट यह है कि आपको पहले पता लग गया, मंडी में ही पता लग गया कि भाई प्राइस महंगी हो रही है, तो जब रिटेल प्राइस महंगी हो उससे पहले ही गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रिवेंटिव मेजर ले सकती है कि भाई मंडी में ही महंगा है तो फिर कंज्यूमर को तो और भी महंगा मिलेगा, तो गवर्नमेंट प्रिवेंटिव मेजर ले सकती है। सर्विस सेक्टर जो है वो डब्ल्यूपीआई में कवर होता नहीं है। होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, देखिए डब्ल्यूपीआई सीपीआई दोनों क्या है, जीडीपी एस्टिमेशन में काम आते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, ये डिफ्लेटर के रूप में यूज होते हैं। देखिए जीडीपी जो है
करंट प्राइस पे निकलती है, बेस प्राइस पे निकालने के लिए उसको WPI और CPI से डिफ्लेट करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI से डिफ्लेट करते हैं, जिससे कि GDP बेस प्राइस पे निकल के आती है। तो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस की WPI होती है, और सर्विस सेक्टर जो है वो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विस सेक्टर इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को सर्विस के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में एस्केलेशन क्लॉज होता है, प्राइस वेरिएशन क्लेम, प्राइस वेरिएशन क्लेम के लिए भी WPI यूज होता है, और WPI को इश्यू करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तीन कैटेगरी होती है, प्राइमरी आर्टिकल वेट 22% है, फ्यूल एंड पावर वेट 13% है, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट वेट 64% वेट है। अब देखिए WPI इन्फ्लेशन जो है मई में 12.94% था, अभी अगस्त में 11.39% होलसेल इन्फ्लेशन है। ये होलसेल इन्फ्लेशन इतना किस वजह से है, ये सब क्या है, देखिए क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, दूसरा क्या है कि इन्फ्लेशन इस वजह से भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, दूसरा कोरोना की वजह से भी जगह जगह प्रॉब्लम्स है तो उसकी वजह से भी ट्रांसपोर्टेशन है वो इंपैक्ट हुआ है, इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रही है। वर्किंग ग्रुप फॉर रिवीजन ऑफ WPI, देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसका भी बेस ईयर 2011-12 है, तो गवर्नमेंट क्या है 10 साल हो गए, इसको भी क्या है बेस ईयर को चेंज करने वाली है, इसके लिए गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है प्रोफेसर रमेश चंद की चेयरमैनशिप में। देखिए ये चेंज क्यों करते हैं, रिविजन क्यों करते हैं, रिवीजन इसलिए करते हैं कि देखिए बहुत सारे आइटम जब आप होलसेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ले रहे थे वो बहुत सारे आइटम इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, बहुत सारे आइटम ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं, जो कंज्यूमर की पहले प्रीफरेंस थी अब वो प्रीफरेंस नहीं रही, बहुत सारे नए नए आइटम आ जाते हैं जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट ये सब आ गए, तो बहुत सारे ऑनलाइन में भी चीजें आ गई हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि चेंजिंग सिनेरियो के हिसाब से जो बास्केट है उसको चेंज करती है, उसको चेंज करती है तो बेस ईयर को भी चेंज करना पड़ता है। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल सर्विस प्राइस इंडेक्स, ये देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, ये दो इंडेक्स गवर्नमेंट यूज करती है, लेकिन इंडिया की जो GDP है उसका 60% जो है वो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 60%, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विस सेक्टर इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर जो है उसकी क्या है ना, एक तो एक्यूरेट डेटा नहीं है सर्विस इन्फ्लेशन पे, और दूसरा क्या है कंसेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी है सर्विस सेक्टर में, एक स्टैंडर्ड नहीं है। आप देखो कोई CA है उसकी फीस अलग है, CS की फी अलग है, एडवोकेट की फी अलग है, सर्विस सेक्टर है बहुत सारी सर्विस है उनकी सबकी फी अलग अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंटल सर्विस इंडेक्स यूज करती है रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए, एयर, पोस्टल, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, पोर्ट और सिक्योरिटी के लिए, सर्विस एक्सपेरिमेंटल है, अभी एक्सपेरिमेंट बेसिस पर गवर्नमेंट इश्यू करती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ये लेबर ब्यूरो इश्यू करता है, इसका बेनिफिट क्या है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं PSU या सेंट्रल, उनका DEA जो बढ़ता है वो CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के बेस पर बढ़ता है, इसी तरह मिनिमम वेजेस जो डिसाइड करते हैं इंडस्ट्री में वो भी इसी के बेस पर डिसाइड करते हैं, और जो प्राइस वेरिएशन क्लॉज होता है कॉन्ट्रैक्ट में तो वहां भी हम CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर यूज करते हैं जितने भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर, देखिए एग्रीकल्चर रूरल लेबर की मिनिमम वेजेस के लिए CPI फॉर एग्रीकल्चर और रूरल लेबर यूज किया जाता है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, देखिए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो न्यू कॉन्सेप्ट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने रिकमेंड किया है PPI को, PPI US में यूज होता है, तो गवर्नमेंट ने भी वर्किंग ग्रुप बनाया अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर BN गोल्डार ऑन 21 अगस्त 2014। तो देखिए गवर्नमेंट ने वर्किंग ग्रुप बनाया कि आप WPI से PPI में माइग्रेट करने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी, तो अभी ये चल ही रहा है कि WPI को PPI में कन्वर्ट किया जाए। PPI में दो PPI होते हैं, एक आउटपुट PPI और एक इनपुट PPI, कि जो भी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर जो भी गुड्स खरीद रहा है, इनपुट ले रहा है, रॉ मटेरियल ले रहा है आउटपुट बनाने के लिए, तो जो रॉ मटेरियल ले रहा है वो किस प्राइस पे ले रहा है और जो आउटपुट बन के आ रहा है वो किस प्राइस पे आ रहा है, तो क्या स्टेज ऑफ
कि हर स्टेज पे क्या है प्राइस गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, जिससे कि क्या है जो होलसेल प्राइस इंडेक्स में तो मंडी पे प्राइस आती है, लेकिन ये क्या है इनपुट और आउटपुट पीपीआई आता है, तो गवर्नमेंट को शुरू में ही पता लग जाता है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, वो किस वजह से बढ़ रही है। दूसरा, पीपीआई में क्या है सर्विस सेक्टर भी इंक्लूड होता है जो डब्ल्यूपीआई में नहीं होता। तो ये अभी इनिशियल फेज में है। इसके बाद फ्रेंड जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, जीडीपी सबको पता है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो जीडीपी एट करेंट प्राइस डिवाइडेड बाई जीडीपी एट बेस प्राइस, तो जीडीपी डिफ्लेटर आता है। जैसे ये एग्जाम्पल हमने पहले भी कोट किया था कि बेस ईयर 2011-12 है, 2012 में आपने 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस की इकोनॉमी में, प्राइस थी 20 रुपए, तो आपका रियल जीडीपी कितनी हो गई 2012 में 2000 रुपए। 2018 में 6 साल बाद आपने 150 क्वांटिटी प्रोड्यूस की और प्राइस थी 25 रुपए, यानी आपने 3750 जीडीपी एट करेंट प्राइस हो गई। अगर हम जीडीपी एट बेस प्राइस निकाले तो आपको 150 को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जीडीपी एट बेस प्राइस 3 ईयर आ गई। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या हुआ, जीडीपी एट करेंट प्राइस डिवाइडेड बाई बेस प्राइस 125। तो जीडीपी डिफ्लेटर बताता है कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो 25% बढ़ गया, 6 साल में 25% इन्फ्लेशन आपका बढ़ गया है। तो जीडीपी जो आपकी 3750 आ रही है, जो जीडीपी ये 3750 आ रही है, इसमें 25% ड्यू टू इन्फ्लेशन है, तो उसको हम क्या करेंगे डिफ्लेट करेंगे, तो हमारी जीडीपी एट बेस प्राइस कितनी आ रही है 3000 रुपए आ रही है। जो जीडीपी डिफ्लेटर बताता है टू वॉट एक्सटेंट एन इंक्रीज इन जीडीपी हैज हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ हायर प्राइस। तो देखिए इसका बेनिफिट क्या है कि इट कवर्स द एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सारी गुड्स एंड सर्विस जीडीपी में आ जाती है, जबकि होलसेल और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आप कुछ ही कमोडिटी लेते हैं बास्केट में। लेकिन इसका लिमिटेड यूज है क्योंकि एक तो ये क्वार्टरली बेसिस पे अवेलेबल होता है और ये जीडीपी के एस्टिमेट होते हैं, और जबकि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई जो है वो एवरी मंथ यूज होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बेस ईयर आते हैं, बार बार आपने देखा होगा किसी का बेस ईयर कुछ है, किसी का बेस ईयर कुछ है, तो गवर्नमेंट बेस ईयर किस बेस पर सिलेक्ट करती है, एक ऐसा ईयर लेती है देयर आर नो एबनॉर्मलिटीज, यानी जब जिस ईयर में कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होते, मानसून एकदम नॉर्मल होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, गवर्नमेंट उस बेस ईयर को सिलेक्ट करती है। और पीरियोडिक रिवीजन क्यों करती है, वो हमने आपको बताया था कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं इकोनॉमी में, जो चीजें कंज्यूमर के लिए पहले नेसेसिटी थी अब उसकी जरूरत नहीं है, बहुत सारे नए नए आइटम ऐड हो गए हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट पीरियोडिकल रिवीजन करती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लास पसंद आई हो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स जो है आप वो कैसे ले सकते हैं, यूट्यूब के वीडियो के नीचे हमने अपनी लिंक में दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।